पर मेरा देखिएगा कि मेरी वहाँ पे क्या फीलिंग रहती है, नहीं रहती है, तो कैसे मैं रहती हूँ, क्या मैं भी डरती हूँ कि नहीं डरती हूँ, या फिर डरती हूँ, वो सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे ससुराल में। ये मेरा ससुराल है। हे गाइस, तो ये देखिए क्या है। तो ये है बैटर, और ये कल रात को मैंने दाल राइस और उड़द का दाल मैंने भिंगो दिया था, और सुबह होते ही मैंने इसको पीस के और इसमें बंद करके हॉटकेस में रख दी थी, और मैंने 9 बजे इसको पीसा और इसको बंद करके रखा, और मतलब 5 घंटे में इसमें खमीर आ गई है, अच्छे से आ गई। उसके बाद खमीर आने के बाद मैंने नमक नहीं मिलाया और फ्रिज में रख दिया है, और देख सकते हैं कितना सुंदर खमीर आ गया है। अगर मैं बाहर ज़्यादा रखती ना तो फिर इसमें महक आ जाती, फिर अब अच्छा नहीं लगता है। और गाइस क्या होता है ना कि गर्मियों में ना जल्दी खमीर आ जाती है ठंडियों के कंपेरेटिवली। तो ये कल का मेरा बेसिकली प्लान था, पर मुझे आद्या के पापा के लिए 4 बस बना दे रहे हैं, बाकी का कल बनाऊँगी। बाकी थोड़ा सा बैटर निकाल ली हूँ जो कि अभी के लिए जितना चाहिए, बाकी का फ्रीज में रख दी हूँ। फ्रीज में रखने से इतने पे ही रुक जाएगा, उसमें महक नहीं आती है, तो इसमें डाल लेती हूँ। बेटा सुना, मम्मा इडली बना रही है लड्डू, इडली खाओगी ना? इडली। तो आई होप कि ये पानी गर्म हो गया होगा, तो इसको देखती हूँ, हो गया है ये। और इसमें मैं डाल देती हूँ, और मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक मैं बनाऊंगी मूंगफली की चटनी, जो कि आद्या के पापा को मूंगफली के चटनी के साथ इडली बहुत ही अच्छा लगता है। सांभर नहीं बनाऊंगी गाइस, क्योंकि रात का समय है और बस नाश्ते के तौर पे ही चाहिए, बाकी सांभर उम्बर कल बनाएंगे। आद्या को देखिए आप लोग, क्या हुआ? देखिए आद्या को, आद्या मुझे बहुत मारी है, मैं जब बैटर बना रही थी। ना स्नीजिंग आ रहा है आद्या, मुझे बहुत स्नीजिंग आ रही है बेटू। अच्छा स्लाइड कर रही हो, और गाइस इतना आज स्नीजिंग आ रही है ना, छींकी आ रही है कि मैं क्या बताऊं। एक्चुअली थोड़ा सा डस्ट का काम कर दिया है, सूटकेस सारा धूल धूल हो गया था, और हम लोग जा रहे हैं बनारस, तो पैकिंग करना है, तो पैकिंग, तो वो जो सूटकेस था ना बिल्कुल भी पोछने लायक नहीं था, बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हुआ था, तो मैंने सोचा कि उसको धुल देती हूँ। तो ले जाके उसको जितने भी सूटकेस थे सारे सूटकेस को पानी से अच्छे से धुल के सुखा दिया, और मेरा जो है ना थोड़ा सा एलर्जी है मुझे डस्ट डस्ट से, थोड़ा भी अगर मैं डस्ट का काम कर देती हूँ तो मेरे को मतलब एलर्जी हो जाती है। फिर वही हुआ है, आद्या के पापा बोल रहे थे कि तुम क्योंकि अगर तुमको इतना प्रॉब्लम है तो मुझे बताती, लेकिन हम सोचे कर लेते हैं, या फिर बोले कि तुमको करना ही था तो मास्क पहन के ठीक होती, पर एकदम थोड़ा सा था बस, ले गए हैं और ले जाके बस उसको दूर धोए हैं, उतने में ही मुझे एलर्जी हो गई है, और छींके पे छींके आ रही हैं। पता नहीं सर्दी भी आ जाएगी क्या, मुझे लग रहा है कि सर्दी भी आ जाएगी क्योंकि पूरा नाक और पकड़ा हुआ है। पता है आप ये मैं डांटता ही ना इसको, तो इसको पता है कि हम तो थोड़ा में भी इतना जैसे लग रहा आसमान गिर गया है, मैं जा रही हूँ मतलब मेरे को उधर से आएंगे, मामा के पास चलो, मामा के बिना रहा भी नहीं जाता है, और ना ये एकदम लहरा लगाओ लड़की होगी। ये देखो देखो गाइस, जा जाके ना ये काम कर रहे हैं और खुद गलती कर रही है, और थोड़ा भी डांट रहे तो जा जाके लहरा लगा लगा ले आ ले आ क्या रही है कि चलो। तो यहाँ पे भून रही हूँ मूंगफली, ये देखिए ये मूंगफली इसलिए भून रही हूँ कि इसकी बनाऊंगी चटनी।
ठीक है गाइस, तो देखिए मैंने बना दिया है ये देखिए इडली और मेरा मूंगफली की चटनी रेडी हो गई है। और आद्या के पापा के लिए मैं जब भी वो बोलते हैं या कुछ उनका मन देखती हूँ कि खाने का होता है, तो अभी से ही नहीं, मैं शादी करके आई थी तभी से मैं बना देती हूँ, चाहे कितना भी बिजी रहती हूँ तो मैं बना देती हूँ। तो जाती हूँ उनको देने खाइए इडली और चटनी। मैं अभी रुक जाओ, खाके बताइए कैसा है। सब गरम है, लाजवाब, अच्छा है। आदर देखो पापा क्या खा रहे हैं, माओ मम्मा भी खिलाएगी आपको, आओ। अब बताओ क्या करना है, अब क्या करना है। मस्ती चढ़ा हुआ है तुम्हें, मस्ती चढ़ा हुआ है, रात को 12:30 बजे मस्ती चढ़ा हुआ है। हाँ। मस्ती करोगी। हाँ। मम्मा क्या करेगी फिर? मस्ती करूंगी। हमको मस्ती नहीं चढ़ा है, हमको नींद आ रही है। हाँ। हमको ना नींद आ रही है। हाँ। हमको मस्ती चढ़ा है। तुमको चढ़ा है मस्ती, चलो तुमको बताते हैं। बनारस जाओगी? बनारस जाओगी? हाँ, हाँ। तुमको सब पीटेंगे वहाँ, तो क्या करोगी? हाँ, बताओ। हाँ, हाँ। क्या करोगी, सब पीटेंगे तो? सब पीटेंगे ना तो जब आका अच्छे फिर भी गाली दो हमारे मजाक उड़ा देंगे। हाँ, तो इसीलिए आपको गुड गर्ल बन के रहना है ना। किसी दो मामा को। अब मेरा प्यारा बेटा कौन है? मैं। अब मामा को अभी पैकिंग भी करना है आद्या आपका। कौन सा पैकिंग? आपका कपड़ा सब पैकिंग करना है बेटू। कौन सा पैकिंग? 12:00 बस टाइम है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जल्दी सो जाना, ठीक है? मम्मा को थोड़ा सा टाइम दे दोगी तो मम्मा थोड़ा पैकिंग कर लेगी, ठीक है? मम्मा को परेशान नहीं करना, सो जाओ जल्दी से, ठीक है? डैडी फिंगर चला दो। हाँ, सुना दो डैडी फिंगर। डैडी फिंगर बैला। अच्छे से सुनाओ, नहीं तो फिर बुढ़ा आ जाएगा, बुढ़ी दादी। डैडी फिंगर बैला आयू ही लायो आदमी छता। घड़ी में 12:02 यानी 5 मिनट होने वाला है, समझ लीजिए रात को। और ये लैपटॉप लेके काम करके और बेडरूम में जा रहे हैं। अब जब बेडरूम में जा रहे हैं तो लैपटॉप क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि और भी काम है ना, 5 मिनट खत्म हो गई है तो थोड़ा बहुत और पैकिंग कर लिए हैं अपना। पैकिंग तुम कर रही हो ना? तो मैं अपना और आद्या अपना कर लूंगा, परसों ही जाना है यार। मैं कर लूंगा कल। सच्ची कुछ नहीं किए हैं? नहीं, कल मैं दिन में करूंगा। हमेशा से एकदम एंड में ले आ देते हैं आप। तो गाइस ये बीबी है, कहती है तुम अपना पैकिंग खुद करो। तो आपको भी पता है कि पैकिंग कर देती है बीबियां ना, पैकिंग जरूर करती है, आपका बात सही है। पर बीबियां खाली रहे तब ना गाइस, मैं ना 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक बहुत मतलब पैकिंग करी है, कुल सारा अटैची सब धो के सुखा के। और मतलब मैं ये बता रही थी कि 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक तो मैं आद्या को खाली खिलाई हूँ। पहला खिलाई उल्टी कर दी, दूसरा खिलाई तब जाके उसको सुलाई, पहला जो उसको 1 घंटे तक खिलाया, आप देखवे किए। और मुझे गाइस देखो ये जो अटैची है ना, ये सारा मैंने धुल दिया, देखिए चकचक आ रहा है, इतना से डस्ट हो गया था। ये आद्या का सूटकेस है, पर मैंने इसको हॉल में ही रखा है कि जो जो जैसे जैसे मुझे चीज़ें याद आ रही है मैं डालते जा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा कपड़ा लेके जाने का नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि फिर भी उधर से भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो गाइस देख ही रहे हैं घड़ी में 12:10 अब हो गया है, और पैकिंग में बहुत अभी रफली जो है मैं इस सब को पैकिंग की हूँ, बस जो जो याद आ रहा है बस डालते जा रही हूँ। ये देखिए,
और फिर फाइनल करेंगे कल, मतलब इन सब में से भी छांटेंगे। अभी बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं ले जाना, नहीं ले जाएंगे। इस सूटकेस में जो है ये आद्या का सूटकेस शुरू से है, ये देखिए ये आद्या का शुरू से सूटकेस है। इसमें मैं कभी भी अपना कपड़ा मिक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि इसका ना निकालना बार बार पड़ता है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वाले सूटकेस में बस आद्या का कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, और उसको भी कल देख देख के इसमें पूरा डाल देंगे। और इसी सूटकेस में उसका सब कुछ रहता है, हगीज़, खाने पीने की चीज़ें सारा कुछ रखते हैं, क्योंकि हमारा जो होता है बार बार नहीं खुलेगा, पर आद्या का चीज़ें आसानी से मिल जाए, इसीलिए इसमें करेंगे। और गाइस हम आपको बता देते हैं कि हमारा है सैटरडे को हमारा ट्रेन है, और हम जा रहे हैं अपने ससुराल। आप लोग को क्या कहना है, हमें अपने ससुराल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बहुत लोग अपने ससुराल जाने से डरते हैं, और डरने का पता नहीं क्या कारण है। मे भी हो सकता है कि सबको जितना मतलब अकेले में रह के आज़ादी मिलती है उतना नहीं मिलती है, यही में भी रीजन है, या स्वतंत्रता नहीं मिलती है, उस तरह का फ्रीडम नहीं मिलता है, इसीलिए सब डरते हैं। पर मेरा देखिएगा कि मेरी वहाँ पे क्या फीलिंग रहती है, नहीं रहती है, तो कैसे मैं रहती हूँ, क्या मैं भी डरती हूँ कि नहीं डरती हूँ, या फिर डरती हूँ, वो सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे ससुराल में। ये मेरा ससुराल थोड़ा मस्ती चढ़ी हुई है, तो मैं मस्ती भी कर लेती हूँ, और आप लोग को होपफुली वहाँ का भी होम टूर देंगे, घर का पूरा देंगे, अपना तो नहीं दे पाए पर आके जरूर अपना होम टूर देंगे, पर वहाँ का जरूर दे देंगे होम टूर, तो आप लोग को पूरा देखने को वीडियो में मिलेगा। और मेरा सैटरडे को है वंदे भारत से ट्रेन, और सारा कुछ आप लोग को दिखाएंगे। और ट्रेन में गाइस हम सफ़र कर रहे हैं, बहुत सालों बाद ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हम ही बोले कि चलिए ट्रेन में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हाँ सब चीज़ का मज़ा लेना चाहिए ज़िंदगी में, और सेम डे वो पहुंचा भी देगी, तो इसीलिए। तो गाइस चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मेरा ससुराल देखना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।